फिक्र मत करो केडी साहब, जितनी जल्दी हो सकेगा ना अपन उस बुड्ढे को ठिकाने लगा था। बस आप सबर का इंतजार। लेकिन आपको अगर अपनी बेटी नीतू को किसी आफत से बचाने का शौक लग जाए तो उस पर जरा नजर रखिए। ससुरे ने तुम पर हमला करके अपना सर हमरा उपली में दे दिया है। मुझे आज के आज ये मालूम होना चाहिए कि किस मजदूर ने ऋषभ मल्होत्रा पर हमला किया है। नानी, पब्लिक इज नॉट नॉर्मल। दिमागी तौर पे उसके कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। शी नीड्स हेल्प नानी। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे सब कुछ बताओ। आइए आइए, हम तो सांस रोके बेताबी से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा जान। अब ये क्या, दरवाजे पे दरबान बने खड़े रहोगे, अंदर नहीं आओगे? थैंक्स फॉर कॉल। और सब ठीक ठाक है? चलो डाले, पहले वो दस्तूर पूरा कर लें जिसका हम दोनों को बेताबी से इंतजार है। ये क्या जान, दिलों पे इतना जुल्म ना करो, अब सीने से तो लग जाओ। तुम प्लीज ऐसा मत करो। कमाल है। क्यों ना करूं? अरे शादी के बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। और फिर क्या, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद। कैसा बचपना है रितु, ये सब ढोंग दुनिया वालों के लिए किए जाते हैं। शादी से पहले कितना प्यार करना है नहीं करना ये पति पत्नी का अपना फैसला होता है। और फिर हम दोनों के अलावा यहाँ है कौन? पिछली बार भी हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन कोई छुपा हुआ था। कौन? तुम्हारा कैमरा। हो सकता है आज भी हो। अब उसकी जरूरत नहीं है, वो इंतजाम मैंने तुम्हारे माँ बाप को धमका कर तुम्हें पाने के लिए किया था। लेकिन यकीन मानो तब मुझे तुम्हारे प्यार पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन आज है। बस 15-20 घंटे के अंदर हम पति पत्नी हो जाएंगे, फिर हम कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों? तुम्हें कल तक रुकना ही पड़ेगा। और शादी के बाद तुम मुकर गई तो? हाँ, मेरे हाथ तक लगाने से, मेरे सीने से लगने पर तुम्हें एतराज होने लगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आज तुम्हें मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं और मुझे तुम पर नहीं तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम मेरी ये बात इनसे बात करके नहीं जा सकती हो, समझी? मुझे मालूम था, मैं जानती थी तुम्हें अपने राज से मतलब है। छोड़ो मुझे। तुम आज मुझसे छूट नहीं पाओगी, याद रखना। मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारा कला दबा दूंगा, समझी? तुम्हारी चीख तुम्हारी आखिरी सांस के साथ निकलेगी, समझी? ये लीजिए आपके लिए गरम गरम सूप। थैंक यू वेरी मच। आओ बैठो भाई, तुम्हारी तो 24 घंटे की ड्यूटी हो गई है, मेरी सेवा करना। अगर आपकी आज्ञा हो ऐसी ड्यूटी निभाने के लिए तो हमें दिन के 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। रियली? अच्छा पूजा, एक बात बताओ, देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी में कुल मिलाकर दो लोग, एक मेरी माँ और दूसरा मैं। तुम हमारे चेहरे रोज रोज देखकर बोर नहीं हो जाते? अभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें दूसरे लोगों से मिलना चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए? हमारी समझ में जब कोई किसी को पूरी तरह अपना लेता हो या किसी के हवाले पूरी तरह हो जाता हो तो अपनी एक छोटी सी दुनिया हो जाती है, फिर किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। कमाल है पूजा, कमाल है, तुमने अपनी जिंदगी को कितना सीधा सच्चा बना रखा है। नो कॉम्प्लिकेशंस, नो टेंशंस। और एक मुझे देखो, चारों ओर कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है। मैं तो अभी तक जिंदगी का डेफिनेशन, जिंदगी की परिभाषा ढूंढ रहा हूं। ढूंढिए ढूंढिए, वैसे भी आपकी छुट्टी चल रही है, बैठे बैठे आराम कीजिए और आपके सवालों का हल ढूंढ निकालिए।
भाई ये तो वैसे ही हो गया जैसे स्कूल। स्कूल में भी गर्मियों में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी हमें, लेकिन साथ ही साथ इतना ढेर सारा हॉलीडे होमवर्क भी मिलता था। पर एक बात सीख लीजिए, परेशानियों में परेशान ना होना। परेशानियों में परेशान ना होना, पूजा ऐसे कैसे हो सकता है यार, आदमी परेशानियों में तो परेशान होता है। खैर अब तुमसे क्या छुपाना, मेरे रास्ते में ऑलरेडी एक परेशानी खड़ी है, तुम्हारे जाते ही परेशान करना शुरू कर देगी। कौन सी परेशानी? दरअसल पूजा मैं सोच रहा था कि हॉस्पिटल में मेधा मुझसे मिलने जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। आपकी उम्मीद सही थी, मेधा जी आपसे मिलने आई थी, मगर माँ जी ने उन्हें रोक दिया। माँ ने? क्यों? आई मीन आई होप माँ ने उसे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। देखिए ये सब बातें भूल जाइए, आप माँ जी पर नाराज मत होइए, उनमें काफी तब्दीलियां आ चुकी है, और इतनी जल्दी वो बदल जाए ऐसी उम्मीद रखना तो उन पर ज्यादती होगी ना। पूजा मैं जानता हूँ, आई नो मॉम इज रियली चेंज्ड अ लॉट, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेधा पर क्या गुजरी होगी। आप उन्हें फोन कीजिए ना, वो सारी बातें भूल जाएंगी। मैं उसे फोन करूँ? बट आई होप इट्स नॉट टू लेट, बहुत देर तो नहीं होगी। वैसे इस वक्त क्या बजा है? क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रही हो? हमने कहीं पढ़ा था प्यार करने वाले घड़ी तो पहन लेते हैं पर समय नहीं देखते। फोन उठाइए ना, शायद मेधा जी का ही हो। पूजा तुम भी। हेलो। मैं उन दिनों यूरोप में थी, मुझे खबर मिली कि केशव मिलान में है। मैं फौरन मिलान के लिए रवाना हो गई, लेकिन केशव के आसपास सिक्योरिटी इतनी हैवी थी कि मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार। फिर मुझे पता चला कि 2 दिन बाद केशव वापस लौट रहा है। मैंने उम्मीद ही खो दी। उस रात फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया। वही आवाज वाला आदमी था जो अपने आप को एक इंडियन जर्नलिस्ट बता रहा था। वो केशव से एक इंटरव्यू चाहता था। उसने मुझे एक ऑफर की कि अगर मैं उसे वो इंटरव्यू दिलवा दूं तो वो मुझे 50,000 pounds देगा। सिर्फ इंटरव्यू के लिए 50,000 pounds? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। वो केशव से अकेले में मिलना चाहता था। उसने मुझे कहा कि 50,000 pounds में से 20,000 pounds वो कल ही मेरे लेटर बॉक्स में डाल देगा, और अगले दिन वो ऐसा लेटर बॉक्स में मिला मुझे। मुझे पैसों की जरूरत थी। I really wanted to see Keshav again. अगले ही दिन मैं एक पार्टी में जबरदस्ती घुस गई जहां पे केशव भी मौजूद था। केशव मुझसे मिलने को राजी हो गया। उस रात मुझे उस आदमी का फोन दोबारा आया। उसने कहा कि तुम्हारे गेट के बाहर कल सुबह एक नई गाड़ी खड़ी होगी जिसकी चाबियां और बाकी 30,000 pounds तुम्हारे लेटर बॉक्स में मिलेंगे तुम्हें। उस गाड़ी में मुझे केशव को इटालियन एल्प्स में एक हिल रिसोर्ट पे ले जाना होगा। रिसोर्ट? मिलान से 2 घंटे की दूरी पर एक हिल रिसोर्ट है। मैंने केशव से जबरदस्ती की और हम लोग उसी गाड़ी में रवाना हो गए। जब भी केशव और मैं एक साथ होते थे, he would insist on driving. He was crazy about speed. And that day he was very warm. We were really happy together. देविका, तुमने उसे इंटरव्यू के बारे में बताया था? मैं उसे रास्ते में बताने वाली थी। He was so happy to be together again.
We were driving at about 120 miles an hour. अचानक गाड़ी काबू से बाहर हो गई. केशव ने ब्रेक पर पैर रखा तो ब्रेक फेल. देन मेरी समझ में आया कि दिस वाज़न्ट एनी इंटरव्यू. केशव वाज़ क्वाइट कूल, क्वाइट काम. उसने गाड़ी को संभालने की कोशिश की, बट आई टोल्ड हिम इट वाज़ नो यूज. आई टोल्ड हिम, केशव, वी हैड इट, लेट्स जस्ट जंप आउट ऑफ द कार. मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला. आई जस्ट जंप्ड आउट. आई थॉट केशव वुड डू द सेम. लेकिन जब मैंने उस तरफ देखा तो केशव वाज़ स्टिल इन द कार. मुझे उसकी आवाज अभी भी सुनाई दे रही है, सेइंग देविका रिलैक्स, डोंट गेट अप. And then the car was over the mountain. I killed him, Mahim. I killed him. It was all my fault. बात कान खोल के सुन ले तू. अगर तू इस जगह से हिली और आवाज करने की कोशिश की तो तेरा चेहरा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि तू बच्चों को डराने की चीज बन के रह जाएगी, समझी? यहां छुपी रह, हिलना मत. अरे नीतू, तुम आओ आओ आओ. कैसे आना हुआ? कैसे क्या, कैसे आना हुआ जनाब? कितने दिनों से आप ही तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो लीजिए मैं आ गई. ये इधर उधर क्या जा रही है तुम? क्या देख रही हो इधर उधर तुम? आपका डाक बंगला. मैं ये देख रही हूँ कि इस डाक बंगले में ऐसी कौन सी खास बात है जो यहाँ आने के लिए आपने मुझे इतना बुलाया. डार्लिंग, खास बात इस जगह में नहीं है, खास बात इस तनाई में. और ऐसी तनाई में बहुत सी खास बातें की जाती है. ऋतु कहाँ है? बोलो ऋतु कहाँ है? ऋतु यहाँ नहीं है, मेरा यकीन करो. डोंट मूव. ऋतु, ऋतु नहीं, ऋतु बाहर निकलो. तुम मुझे गोली मारोगे? ऋतु, ऋतु नहीं है, मेरा यकीन करो. मत करो, अब यह आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो मिस्टर पब्ली, हाय, तुम कब लौटी हनीमून से? बस आज ही. तुम कैसे हो ऋषभ? बिल्कुल वैसा जैसा तुम छोड़ गई थी. छोड़ा तो मैंने तुम्हें कभी नहीं था ऋषभ. अच्छा ये बताओ, प्रहलाद कैसा है? हाउ इज ही फीलिंग? एज यूजुअल. कम ऑन बबली, कुछ और बताओ ना हनीमून के बारे में. भाई हम बैचलर्स को तो पता चले ये क्या बला है. सचमुच बला ही होती है ऋषभ. ये सब बातें छोड़ो ना, मेधा कैसी है? शी इज फाइन. तुम ये बताओ कि शादी के बाद लाइफ में कोई चेंज वेंज नजर आ रही है? नहीं, चेंजेस तो नहीं, लेकिन कुछ महसूस तो जरूर कर रही हूँ. क्या? वही बातें करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ऋषभ. अरे डेफिनेटली डेफिनेटली वी विल मीट अप. तुम ऐसा करो, प्रहलाद के साथ प्रोग्राम बनाओ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ. नो ऋषभ, हम अकेले में मिलेंगे. प्लीज ऋषभ, कल पब में. ओके ठीक है बबली. ऋषभ, डिड यू मिस मी? ऑफ कोर्स आई मिस्ड यू. व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट? थैंक्स. स्ट्रेंज गर्ल. आई किल्ड हिम. इट वाज ऑल माय फॉल्ट. नहीं देविका, अब रोने से कोई फायदा नहीं देविका. केशव की मौत पर हम सभी ने अपने अपने हिस्से के आंसू बहा लिए. अब तो हमें उस इंडियन जर्नलिस्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करना है. उसने केशव भाई साहब की हत्या क्यों की और उससे उसे क्या हासिल हुआ? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. एक बात बताओ, उस दो घंटे की ड्राइव के दौरान केशव की बातों से तुम्हें कोई
हिंट मिला? No. Although it was strange, केशव ने दो तीन बार मौत का जिक्र किया. Nothing serious. In a philosophical sort of a way. अब जब सोचती हूँ तो लगता है कि उसे आभास था कि उसकी मौत बहुत नजदीक है. केशव की कौन सी ऐसी बात से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? कुछ खास नहीं एक्चुअली. यू सी, वी वर वेरी हैप्पी बीइंग टुगेदर अगेन. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा जैसे वो अंदर बहुत डिप्रेस्ड है, जैसे किसी बहुत नजदीकी करीबी रिश्तेदार या किसी ने उसको चोट पहुंचाई है, किसी ने अपने ने उसके साथ विश्वासघात किया है. उसका अपना इतना करीबी नजदीकी कौन हो सकता है? ऑब्वियसली मल्होत्रा खानदान में से ही कोई. तुम फिक्र मत करो दीदी, ये आदमी अब हमारा.